फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। वीडियो के टाइटल देखा आपको पता चल गया होगा आज हम किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले। जी हाँ, तो आज हम रिव्यू करने वाले डेल इंस्पिरॉन टच डिस्प्ले 2-in-1 लैपटॉप का, जिसका मॉडल नंबर है 5410। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग करते। मैंने भी इसे अभी ओपन नहीं किया है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे सील्ड है, तो मुझे इसे ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, लैपटॉप को बाहर निकाल लिया है डब्बे से। तो यहाँ पे हमें मिलता है डेल इंस्पिरॉन 5410 लैपटॉप, उसके साथ ही हमें मिलता है एक्टिव पेन जो कि व्हाइट बॉक्स में है, और उसके साथ ही हमें मिलता है चार्जिंग अडेप्टर। जो फर्स्ट टाइम हम लैपटॉप ओपन करते हैं तो हमें उसमें विंडो सेटअप करना होता है। तो चलिए मैं आपसे सेटअप के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डेल का इंस्पिरॉन लैपटॉप। तो फ्रेंड्स, ये है लैपटॉप का फ्रंट। इस लैपटॉप का बैक साइड में हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ फैन भी है, जिससे हमें ओवर ईटिंग से बचाएगा। और हम फ्रेंड्स, हमारा फैन एक यहाँ और एक यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। इस फैन का यूज कब होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लैपटॉप के इस साइड हम देख सकते हैं हमें चार्जिंग इनपुट है, HDMI इनपुट है, USB 3.2 जनरेशन इनपुट है, और यहाँ हमें मिलता है टाइप सी इनपुट। और लैपटॉप के इस साइड फ्रेंड, यहाँ जैक इनपुट है, यहाँ USB 3.2 इनपुट है, और यहाँ फ्रेंड्स हमें मिलता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लैपटॉप को हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिलता है इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर, यहाँ पे हमें मिलता है इंटेल का आयरिस XC ग्राफिक्स जो कि काफी अच्छी है। फ्रेंड्स, लैपटॉप में हमें जहाँ पहले बटन मिलता था, यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सिंबल भी बना हुआ है, और अब जब लैपटॉप ओपन करेंगे, सेटअप करेंगे, तो आपको फिंगरप्रिंट उस टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैंने अपना फिंगरप्रिंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया, तो मैं आपको चलिए ओपन करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, इसके डिस्प्ले की बात करें तो वो 14-inch फुल HD डिस्प्ले हमें मिलती है। इसकी रिजोल्यूशन जो है वो 1920x180 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और हमें यहाँ मिलती है ट्रू लाइफ टच नैरो बॉर्डर WVA डिस्प्ले। इसके अगर मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ हमें मिलता है 16GB रैम जो कि है 2x8 जो कि 16GB हो जाती है। और यहाँ हमें मिलता है DDR4 रैम, और इसकी SSD जो हमें मिलती है वो है 512GB, और इसमें हमें मिलता है NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कि हमारे लैपटॉप को वर्किंग के लिए फास्ट बनाती है। और फ्रेंड्स, इसके फिंगरप्रिंट की तो हमने बात कर ली, इसकी जो कीबोर्ड है वो बैकलिट है, जो रात में काम करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देगी। फ्रेंड्स, इस लैपटॉप को हम कहते हैं 2-in-1 लैपटॉप। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरह हम इसे एज अ लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, लैपटॉप को बिल्कुल पीछे टर्न कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड दिखाया, एज अ लैपटॉप इसे यूज कर सकते हैं और एज अ टैब भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसकी डिस्प्ले अभी उस साइड है। अगर मैं इस लैपटॉप को अपने साइड टर्न करूंगी तो इसका लैपटॉप, इसका जो डिस्प्ले है वो देखिए इस साइड हो गया। जैसे हमारे फोन में ऑटो रोटेशन होता है, एक्जैक्ट सेम ऑटो रोटेशन आपको इसमें भी मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको तो पता होगा ये टच डिस्प्ले है, तो मैं आपको इसके टच का यूज करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है, जैसे अपने फोन में यूज करते हैं बिल्कुल वैसा ही, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फ्रेंड्स, इस लैपटॉप को हम ऐसे भी रख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी, काफी स्ट्रांग है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस लैपटॉप में। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक फैन आपको दिख रहा है, तो ये फैन हमारा तभी यूज आएगा जब अपने लैपटॉप को ऐसे यूज करेंगे, इससे हमारा लैपटॉप ओवरहीट नहीं होगा, इसलिए हमें ये फैन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था यहाँ हमें एक एक्टिव पेन मिलता है साथ में, तो चलिए मैं आपको इसका यूज करके दिखाती हूँ। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पेन को हमें काफी संभाल रखना होता है, वरना अगर ये एक बार गिरा तो, अगर इसका पॉइंट टूट गया तो ये पेन कोई काम का नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हमें यहाँ स्टार्ट ओपन करना है तो बस मैं इस पेन से इसको यहाँ प्रेस करूंगी और ये ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना इजीली आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस लैपटॉप के व्हाइट बोर्ड में दिखाती हूँ हम कितना इजीली इसे लिख भी सकते हैं। तो बस आपको यहाँ टैप करना है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जाना है, और हमारा व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इजीली मैंने इस पेन से लिख लिया। फ्रेंड्स हमारे प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डेल ने हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, हमें मिलता है यहाँ में कैमरा को ओपन और क्लोज करने का ऑप्शन। तो ये एक शटर टाइप है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब आप लेफ्ट स्लाइड करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और राइट स्लाइड करेंगे तो आपका कैमरा क्लोज हो जाएगा। ये बटन आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है कि ये अलग से कोई बटन है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डेल इंस्पायरॉन 5410 मॉडल की रिव्यू। ये मार्केट में अभी बिल्कुल नया है, 16 जून ये फर्स्ट अवेलेबल डेट थी इसकी। तो अभी तक के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लैपटॉप मुझे लगी। और इसमें एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहूंगी, जैसे अपने लैपटॉप का लीड इतना रखते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकती है ऐसे निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे फैसिलिटी ये प्रोवाइड होती है कि आपका ये डायरेक्ट सरफेस से टच नहीं होता है, जो कि हमारा ओवरहीट होने से बचाता है। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है इस लैपटॉप में। फ्रेंड्स ये थी मेरी डेल इंस्पायरॉन 5410 की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।